हिसार के उखलाना गांव में राजकीय उच्च विद्यालय के शिक्षकों पर शराब पीकर आने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के गंभीर आरोप ग्रामीणों एवं बच्चों ने लगाए हैं। ग्रामीणों ने ये आरोप स्कूल में हिंदी के अध्यापक एवं अन्य एक अध्यापक पर लगाए हैं। आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल समय में भी अध्यापक शराब पी कर आते हैं और बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। स्कूल में सब टीचर बेकार हैं, वो शराब पी करते हैं, बच्चों को गाड़ी गलोच करते हैं और हम तो बर्तन आए थे वो बच्चों के बेकार आए हैं। नहीं बच्चों का खाना बढ़िया बनता, नहीं स्कूल में सफाई है। सुबह 8 बजे क्लास लगती है जी, प्रार्थना हो जाती है, 8 से लेके 11 बजे तक कोई क्लास नहीं लगती। सभी मास्टर क्लास में मीटिंग बना के बैठते हैं और कोई लापरवाही चलती है सब। एक और जहां प्रशासन द्वारा हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वही उखलाना का ये राजकीय उच्च विद्यालय कोई और ही कहानी बयां कर रहा है। स्कूल की छात्राओं का आरोप है कि हिंदी के अध्यापक राजेश शराब पी कर स्कूल आते हैं और कक्षा में जब वो प्रवेश करते हैं तो शराब की बदबू से पूरी क्लास का जीना मुहाल हो जाता है। अरे हिंदी के जो टीचर है वो सुबह सुबह शराब पी के आते हैं। क्या नाम है आपकी हिंदी के टीचर का? राजेश सर। चलो पढ़ाते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं गधों के बच्चे हो तुम, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा, पढ़ाने के लिए आए तो पढ़ाओ बच्चों को। पीती के वहाँ पर शराब की बोतल होती है वो जैसे बीड़ी होती है ऐसे हमारा बाथरूम साफ नहीं रहता। अध्यापक की इस हरकत से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर मुख्य अध्यापक का घेराव किया और अध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने स्कूल में भारी धांधली का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा बच्चों ने ये भी बताया कि उन्हें ऐसी टंकी का पानी पिलाया जाता है जिसके चारों ओर गंदगी के ढेर हैं, जबकि स्कूल स्टाफ और अन्य सभी आरओ का पानी पीते हैं। अंकल आप तो कैंपर का पानी पीते सर, और हमें डिग्गी का पानी पियाते हैं, हमारा पेट भी बहुत खराब हो जाता है। पानी की सुविधा नहीं है आपके स्कूल में? साफ पानी स्कूल नहीं है, आप ही देख लो उसकी थकाई लग रही है। जब इस मामले के बारे में स्कूल के मुख्य अध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने मामले की जानकारी ना होने की बात कही तो वहीं आरोपी अध्यापक समय की नजाकत को देखते हुए स्कूल से खिसक गया। स्कूल डीडीओ हूँ और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, कभी मीटिंग में जाना पड़ता है तो पीछे से बच्चे या स्कूल अध्यापक उनके बारे में शिकायत करते हैं। हालांकि मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं है, अगर आगे आएगी तो। अब जो ग्रामीणों ने शिकायत की और बच्चों ने की है कि टीचर शराब पी के आते, उस पर आपकी क्या करवाएंगे? नहीं, मेरे सामने तो ऐसा कोई मामला है नहीं, जब आएगा तो शिकायत की जाएगी, मेडिकल करवाया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी अनीता सिंगला से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने इस मामले की जांच कर कार्यवाही की बात कही। सोचने वाली बात यहाँ ये है कि अगर शिक्षा के मंदिर में अध्यापक ही शराब पीकर आने लगे तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हिंद एक्सप्रेस के लिए हिसार से विनोद सैनी की रिपोर्ट।